हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम का पार्ट्स को देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम में हम लोग देखे थे पहला था पिक्चर ट्रांसमिशन दूसरा था साउंड ट्रांसमिशन तीसरा था पिक्चर रिसेप्शन चौथा था साउंड रिसेप्शन और पांचवा है सिंक्रोनाइजेशन उसके बाद रिसीवर कंट्रोल छठा और सतमा क्या हो जाएगा कलर टेलीविजन तो ये आपका एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम हो गया एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम में क्या क्या गया पहला पिक्चर ट्रांसमिशन पिक्चर ट्रांसमिशन दूसरा हो गया साउंड ट्रांसमिशन तीसरा हो गया पिक्चर रिसेप्शन ट्रांसमीटर होगा तो रिसीवर ही होगा पिक्चर रिसेप्शन रिसेप्शन मीन रिसीवर रिसेप्शन चौथा हो गया साउंड रिसेप्शन उसके बाद हो गया फिर रिसीवर कंट्रोल और कलर टेलीविजन तो हम लोग साउंड रिसेप्शन तक देख चुके हैं अब है synchronization. Synchronization क्या होता है देखिए इट इज एसेंशियल डेट एट एनी इंस्टेंट बोथ एट द कैमरा ट्यूब टारगेट प्लेट एंड द रास्टर ऑफ द पिक्चर ट्यूब मस्ट बी इन सेम कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कर रहा है ये एसेंशियल है कोई भी इंस्टेंट पे कैमरा uh, ट्यूब का जो टारगेट प्लेट है बोथ एट द कैमरा ट्यूब ऑफ कैमरा ट्यूब टारगेट प्लेट एंड रास्टर ऑफ द पिक्चर ट्यूब रास्टर जो है पिक्चर ट्यूब का रास्टर और कैमरा ट्यूब का जो टारगेट प्लेट है दोनों जो है क्या होना चाहिए कोई भी इंस्टेंट में सेम कोऑर्डिनेट में होना चाहिए मस्ट बी इन सेम कोऑर्डिनेट एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम पे सेम कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए अगर सेम कोऑर्डिनेट पे नहीं होगा तो क्या होगा पिक्चर डिटेल्स वुड स्प्लिट पिक्चर जो है पिक्चर का डिटेल है वो स्प्लिट कर जाएगा और गेट डिस्ट्रॉटेड पिक्चर क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉटेड हो जाएगा तो जो कैमरा ट्यूब का टारगेट प्लेट है और रास्टर ऑफ पिक्चर ट्यूब दोनों क्या होना चाहिए सेम कोऑर्डिनेट में होना चाहिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सिंक्रोनाइजेशन यही है नेक्स्ट है रिसीवर कंट्रोल द पैनल ऑफ मोनोक्रोम टीवी रिसीवर हैविंग वेरियस कंट्रोल्स जो रिसीवर कंट्रोल का मतलब हो गया जो टेलीविजन है सपोज कीजिए ये टेलीविजन है इसके जो फ्रंट पैनल होता है यहाँ पे डिफरेंट सारा चैनल बना होता है चैनल सेलेक्टर रहता है ब्राइटनेस कंट्रोल रहता है वॉल्यूम कंट्रोल बढ़ाने घटाने के लिए रहता है कंट्रास्ट के लिए रहता है आपको इस तरह से दिया रहता है तो रिसीवर कंट्रोल में यही पार्ट आ गया कह रहा है द पैनल ऑफ मोनोक्रोम टीवी रिसीवर हैविंग वेरियस कंट्रोल डिफरेंट सारा ऑफ कंट्रोल होता है जैसे कि चैनल सेलेक्टर रहता है जो आपको डिजायर्ड चैनल है उसको देखने के लिए फाइन ट्यूनिंग रहता है uh, उसके बाद ब्राइटनेस कंट्रोल आता है वॉल्यूम एंड टोन कंट्रोल आता है कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल इट इटी सी रहता है, रहता है, रहता है ये सब जो है रिसीवर कंट्रोल के अंदर में आता है तो चैनल सेलेक्टर जो रहता है उसका क्या काम है द चैनल सेलेक्टर स्विच इज यूज फॉर सेलेक्टिंग द डिजायर चैनल जो चैनल आपको दिखना है उसको सेलेक्ट करने के लिए चैनल सेलेक्टर की मदद से हम लोग सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट है फाइन ट्यूनिंग द फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल इज प्रोवाइडेड फॉर ऑप्टेनिंग बेस्ट पिक्चर डिटेल्स इन द सेलेक्टेड चैनल सपोज कीजिए जो चैनल आपको देखना है वो क्या करेंगे चैनल सेलेक्टर की मदद से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फाइन ट्यूनिंग की मदद से उस चैनल का जो पिक्चर डिटेल्स है उसको बेस्ट कर लेंगे मीन्स सबसे अच्छे क्वालिटी कर लेंगे प्रोवाइड ऑपरेनिंग बेस्ट पिक्चर डिटेल्स इन द सेलेक्टेड चैनल जो चैनल को आपको देखना है उसका फाइन ट्यूनिंग की मदद से पिक्चर डिटेल्स को अच्छे कर लेंगे क्वालिटी को बढ़ा देंगे नेक्स्ट है ब्राइटनेस कंट्रोल द ब्राइटनेस कंट्रोल वैरी द बीम इंटेंसिटी ऑफ पिक्चर ट्यूब एंड इज सेट फॉर ऑप्टिमम एवरेज ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर ब्राइटनेस कंट्रोल जो है क्या करता है बीम इंटेंसिटी को वैरी करवाता है जो बीम इंटेंसिटी होता है उसको वैरी करवाता है बीम इंटेंसिटी ऑफ पिक्चर ट्यूब पिक्चर ट्यूब का जो बीम इंटेंसिटी होता है उसको वेरी करवाता है एंड ई सेट फोर और इसको सेट किया जाता है फोर एवरेज ब्राइटनेस ऑफ द पिक्चर पिक्चर का एवरेज ब्राइटनेस जो है उस पर सेट किया जाता है ऑप्टिमम एवरेज ब्राइटनेस सेट किया जाता है जिससे जो है ना बहुत कम हो ब्राइटनेस ना बहुत ज़्यादा हो मीन सुटेबल होना चाहिए नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड टोन कंट्रोल वॉल्यूम एंड टोन कंट्रोल आर फॉर टिंग दॉल्यूम वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने के लिए आपके मतलब अकॉर्डिंग एंड टोनल क्वालिटी ऑफ साउंड आउटपुट फ्रॉम द लाउड स्पीकर वॉल्यूम एंड टोन कंट्रोल का यूज किसके लिए किया जाता है सेटिंग द वॉल्यूम वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने के लिए यूज किया जाता है और टोनल क्वालिटी ऑफ साउंड आउटपुट फ्रॉम लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर का जो साउंड आउटपुट है उसके टोनल क्वालिटी को uh,

डिजायर्ड कंट्रास्ट जो डिजाइर्ड कंट्रास्ट है उसको जो है पाने के लिए वेरी करवाया जाता है उसके बीच में वेरी करवाया जाता है कंट्रास्ट को वेरी करवाया जाता है नेक्स्ट जो है टेलीविजन कंट्रोल कलर टेलीविजन है कलर टेलीविजन में क्या होगा कलर टेलीविजन इज बेस्ड ऑन द थ्यूरी ऑफ एडिटिव कलर मिक्सिंग कलर टेलीविजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो एडिटिव कलर मिक्सिंग पे काम करता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कलर टेलीविजन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है तो एडिटिव कलर मिक्सिंग पे काम करता है मीन दो कलर को एड करने का काम करता है वेयर ऑल कलर इंक्लूडिंग व्हाइट कैन बी क्रिएटेड बाई मिक्सिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट देखिए यहां पे क्या होता है वेयर ऑल कलर्स इंक्लूडिंग व्हाइट यहाँ पे सभी कलर को है वाइट को इंक्लूड करते हुए क्रिएट किया जाता है बाय मिक्सिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट रेड ग्रीन और ब्लू लाइट को मिक्स करके जो है ए, सभी कलर को जो है इंक्लूड किया जाता है तो मेन जो आपका प्राइमरी कलर होता है वो आर जी बी रेड ग्रीन और ब्लू रेड ग्रीन और ब्लू ये क्या है आपका प्राइमरी कलर है रेड ग्रीन और ब्लू ये प्राइमरी कलर होता है इसी की मदद सेकेंडरी कलर को बनाते हैं एट द रिसीवर द थ्री कलर सिग्नल्स आर सेपरेटेड रिसीवर इन पे क्या होता है तीन जो कलर है उसको सेपरेट किया जाता है अलग अलग किया जाता है एंड फेड टू दी इलेक्ट्रॉन गन ऑफ कलर पिक्चर ट्यूब ये जो तीन कलर है रेड ग्रीन और ब्लू इसको क्या किया जाता है रिसीवर के पास सेपरेट किया जाता है और फेड करते हैं इलेक्ट्रॉन गन के पास कलर पिक्चर ट्यूब का जो इलेक्ट्रॉन गन है वहां पर जो है एंड फेड टू थ्री इलेक्ट्रॉन गन ऑफ द कलर पिक्चर ट्यूब कलर पिक्चर ट्यूब के थ्री इलेक्ट्रॉन के पास इसको दिया जाता है रेड ग्रीन और ब्लू को सेपरेटली स्क्रीन ऑफ पिक्चर ट्यूब हैज रेड ग्रीन एंड ब्लू पिक्चर ट्यूब का स्क्रीन होगा उसके पास क्या होगा रेड ग्रीन और ब्लू फॉस्फर्स होगा अरेंज इन अल्टरनेट डॉट जो कि अल्टरनेट मीनस रेड ग्रीन ब्लू इस तरह से अल्टरनेट में ये अरेंज रहता है द्री कॉम्पेटिवल कलर टेलीविजन सिस्टम आर एन टी एस सी पाल तीन जो कलर कंपेटिबल कलर टेलीविज़न सिस्टम है जो कलर टेलीविजन के लिए यूज किया जाता है तीन सिस्टम का वो कौन है पहला है एन टी एस सी सिस्टम नेशनल टी वी सिस्टम कमिटी ये आपका अमरीकन सिस्टम है अमरीकन सिस्टम है एन टी एस सी सिस्टम इसमें क्या होता है इसमें थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड होता है थर्टी फ्रेम्स पर सेकेंड और लाइंस कितना होता है तो 525 लाइन होता है ये अमेरिकन सिस्टम है पाल सिस्टम फेज अल्ट्रेशन बाय लाइन ये क्या है यूरोपियन सिस्टम है जो कहाँ पे यूज होता है कलर टेलीविजन में इंडिया में यूज होता है इंडिया में ठीक है फेज अल्ट्रेशन बाई लाइन इसका फुल फॉर्म होता है और इसमें क्या होता है ट्वेंटी फ्रेम्स पर सेकेंड होता है और कितना लाइंस होता है 625 लाइंस होता है इसको याद रखना है और सेकम सिस्टम जो है ये कहाँ पे यूज होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्वेंशियल कलर विथ मेमोरी ये फ्रांस में और यूएसएसआर ईस्टर्न यूरोप में इसका यूज होता है से कम का तो ये तीन जो है कलर टेलीविज़न के यूज किया जाता है कलर टेलीविजन के लिए खास करके इंडिया में पाल सिस्टम का फेज अल्ट्रेशन बाई लाइन इंडिया में ये यूज़ किया जाता है और अमेरिका में एन सिस्टम यूज़ किया जाता है तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें इसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम का जो रेस्ट पार्ट था जैसे कि पहला हो गया एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम में पिक्चर ट्रांसमिशन दूसरा हो गया साउंड ट्रांसमिशन तीसरा हो गया पिक्चर रिसेप्शन चौथा हो गया साउंड रिसेप्शन पांचवा हो गया सिंक्रोनाइजेशन छठा हो गया रिसीवर कंट्रोल और सातवां हो गया कलर टेलीविजन तो ये आपका एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम है तो इसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम के बारे में पढ़े Thank you for watching this video. Thank you so much.